हे गाइस, वेलकम ओ वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली आप लोग हमेशा पूछते हो कि दीदी अपनी कबर्ड कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, इस पे वीडियो लेकर आओ। तो आई थॉट क्यों ना मैं वो वीडियो बनाऊँ। और बहुत दिनों से मैं इस वीडियो की तैयारी कर रही थी, बहुत दिनों से। मैं भी आपको दिखाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैंने अपनी कबर्ड को इतना ज़्यादा मैसी कर दिया है कि वो अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और वीडियो तभी अच्छा बनेगा, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगी कि कैसे कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करें, जब तक वो अनऑर्गेनाइज नहीं रहेगी आपकी कबर्ड। तो मुझे पहले कबर्ड को बहुत ही गंदा करना पड़ा, उसके बाद अब मैं उसको एक एक करके ठीक करूंगी। आई जस्ट होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों ने बोला इसलिए मैं बना रही हूँ, वरना तो मैं इसको सफाई कर लेती हूँ और ऐसे पता भी ना चलता। बट आपने बोला है तो मैं आज एक कैमरा सेट कर दूंगी और ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ करना बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है ऑलरेडी, एंड थोड़ा सा मेरे फोरहेड पे आपको हल्का सा ऑयल लग रहा होगा। ये एक्चुअली मुझे हेडेक हो रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा बाम लगाया है और अब काम शुरू करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले देख लेते हैं कबर्ड की हालत क्या है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरे कबर्ड की हालत इस समय, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये मेरा डेली का रूटीन है, डेली का मतलब कि मैं कभी कभी अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बट आज आप लोगों की वजह से मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ कि मैं कैसे अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी ये पहली वाली कबर्ड ओपन करने जा रही हूँ, जो कि है मेरी साड़ी की कबर्ड। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी साड़ियाँ, ब्लाउज़, पेटीकोट, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। टें टें आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बैंड बजी पड़ी है मेरी कवर्ड की। मैं आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ, एक सेकेंड देखो, आप देखो देखो हालत देखो आप इसकी। कबाड़ मचाने का रीज़न भी यही था कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। कुछ कुछ अभी ऑर्गेनाइज हैं, बट काफ़ी हद तक मैंने इसको ख़राब कर दिया है। तो चलिए चलिए चलिए, तो कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर आपके पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करोगे मैं बता देती हूँ। आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है आपकी ये वाली बैग, ये मैंने आपको दिखाई थी अपने मीशो हॉल में। नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए मीशो हॉल देखिए, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। इसमें एक बार में आई थिंक 4-5 साड़ी आ जाएगी आराम से। यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी है जिससे कि आप साड़ी पहचान लोगे। और एक आपको चाहिए होगा, ओ गॉड, एक आपको चाहिए होगा ऐसा बैग। ये आपके पास कैसा भी हो, गोल्डन भी हो, किसी भी दुकान का हो, कुछ भी हो चलेगा। इसमें हम रखने वाले हैं ब्लाउज़, क्योंकि वो छोटा वाला बैग है। एंड जो बड़ा वाला बैग है इसमें हम रखने वाले हैं साड़ियाँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे रखने। सबसे पहले हमको साड़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइस करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी जो है वो मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती हूँ। तो जो पहली कैटेगरी होने वाली है वो होने वाली है कि आपकी ऐसी कौन सी साड़ियाँ हैं जो कि हैवी हैं, जिनको आप सिर्फ शादी पार्टी में ही पहनते हो, उनकी कैटेगरी हमने अलग कर दी। बीच वाली कैटेगरी आती है ऐसी कौन सी साड़ियाँ हैं जो कि आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन के जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो पहन के, जो कि पूजा पाठ में आप पहन सकते हो, ऐसी साड़ियाँ होती हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ये हो गई। थर्ड कैटेगरी हमारी होती है ऐसी कौन सी साड़ियाँ हैं जो हम घर में पहनने वाले हैं। तो अगर ये 3 कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूँ तो घर वाले कपड़े अलग कर सकती हूँ, बट मैंने अपनी जो कबर्ड है उनको इसी हिसाब से डिवाइड किया है। ये मेरी फ्रंट वाली सिर्फ साड़ियों की है, बीच वाली वेस्टर्न ड्रेसेस की है और साइड वाली आपकी जीजू की है। तो ये मैंने इसी हिसाब से डिसाइड किया है, तो इसीलिए मैं इसमें ही सारी साड़ियाँ रखूँगी, पहनने वाली भी ना पहनने वाली भी। और बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बेड में अंदर रख दिया है पैक करके, क्योंकि मैं वो अब नहीं पहनती हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो कि अभी स्टिच नहीं हुई हैं, जिनका ब्लाउज़ नहीं बना है, उसके लिए मैं बाहर एक अलग से कबर्ड रखती हूँ। मतलब जिसमें जो भी मेरे कपड़े आते हैं प्रमोशन वाले, या फिर जो भी स्टिच नहीं हुए हैं, या फिर जो मैं कम पहनती हूँ, वो मैं डायरेक्टली उस गोदरेज में रखती जाती हूँ। तो मेरे पास बाहर एक गोदरेज है जिसमें कि मैं अपनी जो भी साड़ियाँ बनी नहीं हैं, जो कम पहनी जाती हैं, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। इसमें वो रहती हैं जो कि मैं पहनूंगी, आज नहीं तो कल मैं पहनूंगी, तो इसमें वही साड़ियाँ होती हैं।
तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बना है इसको भी बिगाड़ना है हमको, ठीक है। अगर शुरू से शुरू करना है तो जो बना है उसको भी बिगाड़ना है। तो बने को बिगाड़ना कैसे है देखो, अब ये नहीं करना कि जो तय है साड़ियाँ जो प्रॉपर अभी रखी है तरीके से इसको हम ख़राब कर दें, नहीं, हमको इनको ऐसे उठा उठा के ऐसे रखना शुरू करना है। खैर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ये उनके लिए है जिनको नहीं पता या जिन लोगों ने मुझसे पूछा था। तो पहले सारी साड़ियाँ निकल जाएंगी, जब साड़ियाँ निकल जाएंगी तो फिर इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि कौन सी साड़ी कहाँ रखनी है। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मैंने पूरी ठंडी बीत गई, मैंने एक दिन भी साड़ी नहीं पहनी है घर में, जबकि मेरा साड़ी में मेरी प्राण बसते हैं, मुझे साड़ियाँ इतनी पसंद है। देखो आप सब कुछ मैंने प्रेस करा करा के ऐसे रखी हैं, एक भी साड़ी मैंने नहीं पहनी है इस बार सर्दियों में। बट गर्मियाँ आ रही हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, इस बार मेरे पास और भी कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मैं घर में पहनना चाहूँगी, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सारी साड़ियाँ हम पहले से निकाल लेंगे, ठीक है। साड़ियाँ निकाल क्यों रहे हैं अभी इसका भी रीज़न बताती हूँ, इसकी प्रेस ख़राब हो गई। साड़ियाँ निकालने का एक रीज़न ये भी है कि अभी हम सारी साड़ियों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। सारी साड़ियाँ अगर एक जगह रखी रहेंगी तो फटाफट ना आप तीन कैटेगरी बना लो, तीन खाना बना लो कि इधर पहनने इधर बाहर जाने वाली, इधर मार्केट जाने वाली, इधर घर में पहनने वाली, ऐसे ऐसे कैटेगरी में भी हम डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले सब साड़ियाँ निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैस होता है जिस दिन साड़ी रखी जाती है। मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी सर्दियां बीत गई लेकिन मेरी शॉल नहीं निकली है। अब देखो कहीं जाना ही नहीं हुआ शॉल ओढ़ के। शुरू शुरू में पहना जाता था जब नए नए थे, अब तो पहना ही नहीं जाता कुछ। और ब्लाउज़ आपको अलग रखना है, तो मेक श्योर करना है कि ब्लाउज़ अलग रखना है। ब्लाउज़ मैं डेली पहनने वाले इसमें रखती हूँ, अभी दिखाती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ। उसके अलावा बाकी चीज़ें मैं आपको बाद, ब्लाउज़ आपको अलग करने हैं जो आपको इधर उधर मिल रहा है। पहले जो अनऑर्गेनाइज है पहले उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो पेटीकोट ब्लाउज़ एक तरफ फेंकते जाना है, फेंकते मतलब रखते जाना है। यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह हैं, इनको हटाना है। इसको मैं थोड़ा सजाने के लिए रखती हूँ, कैसे रखती हूँ ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ। दिस इज़ द मेस, ये हैं साड़ियाँ जो एक के ऊपर एक रखी हैं। हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करना है इस कबर्ड में। ओके सो फाइनली ये डिसाइड हो गया है। सबसे फ्रंट वाली लाइन हैवी साड़ीज़ की है, उसके बाद वाली लाइन जो है मिड रेंज की साड़ियाँ हैं। मिड रेंज की मतलब जो कि मैं मार्केट में या कहीं फंक्शन में ऐसे ही पहन के जाऊँगी भी, इसके बाद वाली लाइन भी सेम है। और सबसे लास्ट वाली और जो नीचे रखी हैं वो साड़ियाँ हैं जो कि मैं रोज़ पहनूंगी। तो अब हमें एक सबसे ज़रूरी काम करना है कि हमें इन्हें पैकेट में पैक करना है। पैकेट में पैक कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ, एक दो दिखाती हूँ, बाकी आप वैसे ही कर लेना अपने यहाँ पर। और डिपेंड करता है कि आपकी अलमीरा कैसी है, आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करो, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो देखो ये जो बॉक्स है ये हमने खोल दिया, ठीक है। जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा खुल गया, काफी बड़ा सा हो गया, इसमें अब हमें साड़ी रखनी है। साड़ियों को फोल्ड करके रखना अच्छे से आप, तो साड़ियाँ थोड़ा ट्रांसपेरेंट, आगे पॉलीथीन लगी है जिससे कि दिखेगा कि आपने कौन सी साड़ी रखी है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं ये साड़ी रख रही हूँ, ये साड़ी भी मुझे बड़ी पसंद है, ये मैंने दिवाली में पहनी थी एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके बाद से पहनना ही नहीं हुआ।
अब लगता है मुझे कि मैं साड़ी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत साड़ियाँ खरीद ली, उसके बाद है ये साड़ी सिल्क की, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सा कश्मीरी पैटर्न में है। इसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो सबसे नीचे पर्पल थी, ठीक है। पर्पल हटा देते हैं अभी, पहले ब्लू रख देते हैं फिर पर्पल रखते हैं, इसलिए हटा रही हूँ मैं क्योंकि सबसे नीचे भी हमने पर्पल साड़ी रखी है तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ये साड़ी, ठीक है। अब आप देखो इधर से, यहाँ से हमको सारे कलर पता चल रहे हैं कि हमने कौन कौन सी साड़ियाँ रखी हैं, ठीक है। अभी भी इसमें काफ़ी जगह है लेकिन हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, फाड़ना नहीं है हमको इसको, तो मैं इसको लॉक कर दूँगी, ठीक है। हमारा एक जो बॉक्स है वो रेडी हो गया, देखो आप इस बॉक्स को अब हम करेंगे किनारे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स, ये मुझे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगा मीशो से, इससे आपकी चीज़ें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। इसकी चेन खोलनी है, इसके बाद अब दोबारा से इसमें हम रखेंगे हैवी साड़ियाँ। वाले हैं ये, अब ग्रे ये नेट की साड़ी किनारे करते हैं, ठीक है। इसमें की ये रेड साड़ी किनारे करते हैं, ठीक है। रेड इधर भी लाइन में लगाते हैं, इसमें सबसे पहले हम रखेंगे ये रेड साड़ी, ठीक है। इसको नीचे रख रही हूँ मैं, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है क्योंकि हमारे पास एक और साड़ी है ग्रे कलर की जिसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। अब हम इसको रखना शुरू करेंगे, ये टांगने में चली जाएगी। साड़ी ब्लू कलर की, इसको हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, जैसे है ये ऐसे ही रखना है। इसके बाद हमने ये सिल्क की साड़ी रखी, ठीक है। बस पता होना चाहिए आपको आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, जब भी ढूंढना हो तो मिल जाए, जब ऐसा नेट का रहेगा तो ढूंढना ईजी रहेगा, ठीक है। इसको लॉक करना है, ठीक है। दूसरा बॉक्स हमारा रेडी हो गया, मूविंग ऑन टू द थर्ड बॉक्स। Okay.
मैंने अपनी कबर्ड सेट कर ली है ना, आई एम वेरी 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 हैप्पी. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. 1, 2 मेरे नेल पेंट को इग्नोर करिए, एंड 3 एक हाथ में कैमरा है, सो इसलिए थोड़ा सा दूर वाला लुक मैं आपको देती हूँ. डिटेल नहीं बताने वाली, बट मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी. यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियाँ हैंग कर दी हैं जो कि ये कुछ मेरे फेवरेट के हिसाब से थी. उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बैग्स ऐसे सजा के रख दिए हैं ताकि थोड़ा सा ये सुंदर सा लगने लगे. अभी मुझे इसमें कुछ और चीज़ें भी करनी हैं. अब बात करते हैं मैंने इन्हें पैकेट्स को अरेंज कैसे किया है. एक एक पैकेट में आई गेस 7 to 8 साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं. हल्का सा बैग हटा के दिखाती हूँ तो आप देखो, यहाँ पर वो साड़ियाँ हैं जो कि मैं कहीं पार्टी वगैरह में पहन के जाना पसंद करूँगी. ऊपर भी वैसी ही साड़ियाँ हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर हमारे पास वो साड़ियाँ हैं जो कि थोड़ी सिल्क पैटर्न में है, थोड़ी सी हैवी हैं. मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कम पहनती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ रख दी हैं. इसके ऊपर यहाँ दो झोले टाइप के आपको दिख रहे हैं. इन दोनों में बहुत ही डेलिकेट साड़ी है, मतलब कि एक साड़ी है जो कि एक इंस्टाग्राम स्टोर से थी, डांगी साड़ीज, येलो कलर की साड़ी थी. और इसके नीचे यहाँ पर एक स्वस्तिका ने मुझे साड़ी भेजी थी, स्वस्तिका जी ने, वो है. और यहाँ पर एक साड़ी है, मेरी आंटी ने दी थी, अभी इसको स्टिच नहीं करवाया मैंने. यहाँ पर मैंने कुछ बैग्स टांगे हुए हैं और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे अरेंज किया. आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, आपके पास कितना भी स्पेस हो आप उसमें ये वाले बॉक्स मंगा के उसमें साड़ियाँ रख सकते हो. बहुत ऑर्गेनाइज लगती हैं. इसमें अगर आप ना ऐसे ठूंस के भी भर दोगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी तरह से पैक है, चारों तरफ से. बहुत टाइम लगा है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है बट बहुत टाइम लगा है. यहाँ पर मेरी रोज़ की साड़ियाँ हैं, रोज़मर्रा की साड़ियाँ. इसके पीछे भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप, एक सेकेंड, इसके पीछे भी बॉक्स हैं. एंड ऐसे ही इसको चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बट इसको भी मैं फिर से वैसे करूँगी. एंड यहाँ पर भी साड़ियाँ हैं, इसके पीछे भी बॉक्स हैं, मतलब ये दो आगे हैं, एक पीछे है, तीन इधर हो गए, तीन इधर हो गए. सो तीन इधर हो गए, मतलब ये दो आगे एक पीछे, इधर तीन हो गए, टोटल 6 हो गए. यहाँ पर नीचे मैंने एक रखा है जिसमें मैंने सिर्फ पेटीकोट्स रखे हैं. ये देखो साड़ियाँ कितनी प्रॉपर लगती हैं. जैसे मान लो मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है तो मैं ढूंढूंगी ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, और यहाँ मुझे ग्रीन साड़ी मिल गई. तो बहुत इजी होता है साड़ी ढूंढना इसकी हेल्प से. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर रखे अपने पेटीकोट. पीछे कुछ लटकन वटकन है, कुछ बाकी चीज़ें हैं. यहाँ पर मेरे सारे पेटीकोट हैं, चेन खोल के मुझे बस देखना है. और मैंने कोशिश की है कि सारे पेटीकोट का कुछ हल्का फुल्का तो कलर दिखाई दे जिससे कि मुझे ईजी हो जाए ढूंढना. तो मैं यहाँ पर बहुत इजीली इन्हें ढूंढ लूँगी. और यहाँ पर है मेरे सारे ब्लाउजेस. ब्लाउजेस के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट वाले पॉलीथीन इसलिए यूज़ की है क्योंकि ऐसे वाले में क्या होगा ना, सारे ब्लाउज तो आगे दिख नहीं पाएंगे. तो बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने कई बार कोशिश की, मैंने कुछ पीछे भी रख दिया तो नहीं दिख रहा था. इस तरह क्या है, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है. चलो तो मैंने ऐसे निकाला, इधर देखा, इधर देखा, अगर मेरे कलर का कोई मिला मुझे ब्लाउज जो मुझे चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने दूसरा निकाल लिया. तो ऐसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके अंदर 6 ऐसे पॉलीथिन वाले बैग्स हैं जिसमें मेरे ब्लाउजेज हैं. मैंने बहुत केयर से इनको रखा हुआ है. एंड ऊपर मैंने यहाँ पर ये साड़ियाँ रखी हुई हैं, रोज़ वाली. रोज़ वाली साड़ियाँ भी पैक रहती हैं तो अच्छी रहती हैं. ये कुछ ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है. अब मेरी कोई चीज़ फैली हुई नहीं लग रही है मुझे. बात करते हैं इस ड्रॉर की, तो इसको खोलते हैं. यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउज रख लिए हैं जो कि मेरे रोज़ वाले ब्लाउज हैं. इनको मैं ऐसे करके निकालती हूँ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हैं. तो मैं इसको दोबारा से बंद कर दे रही हूँ. और यहाँ पर मैंने कुछ अपने ज़रूरी सामान रखे हुए हैं. दैट्स इट.